नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनवाले चुटक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो अजमेर के अंदर, उसका एग्जाम पैटर्न जारी हो चुका है, यानी कि जो परीक्षा 2021 के लिए परीक्षार्थियों के हेतु महत्वपूर्ण निर्देश यानी कि अभी भी जारी किया गया है। तो फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न पत्र की समयावधि 1.5 घंटे होने वाली है, जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से 50% ही हल करना होगा। स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय के एक विषय के 2 प्रश्न पत्र यानी कि 2 पेपर्स की परीक्षा एक ही पारी में 1.5 यानी कि 3 घंटे की समयावधि में होने वाली है। विषय के 2 प्रश्न पत्रों उत्तर पुस्तिका के जो संग्रहण और वितरण में लगने वाले समय हेतु आपको 5 मिनट का समय अतिरिक्त दे होगा। विषय के शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस यानी कि 1.5 घंटे की समावधि होगी। इसे प्रश्न पत्र शिक्षा एवं विधि संकाय जिनकी अवधि पूर्व में 2 घंटे निर्धारित है, उन परीक्षार्थियों को संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित अंकों का ही हल करना होगा। निर्धारित सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने के लिए अतिरिक्त आपको प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न पत्रों में छपे हुए जो पूर्णांक 50% अंकों के प्रश्न ही आपको हल करने हैं, यानी कि जो 100 यदि आपका पेपर 100 नंबर का होगा तो आपको सिर्फ 50% यानी कि पूर्णांक का करना होगा, न कि पेपर का। तो यहाँ से ये आप बात ध्यान में रखिए, 50 नंबर का ही आपको करना होगा। किसी भी इकाई या भाग में प्रश्न हल करने के लिए प्रश्न पत्र पर छपे निर्देशों की कोई बाध्यता नहीं, यानी कि कोई भी आपको अथवा किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रश्न पत्र के किसी इकाई भाग से स्वेच्छा से किस इस प्रकार प्रश्नों का चुनाव कर कि अधिकतम 50% पूर्णांकों के प्रश्न हल हो सके। एक इकाई में यदि प्रश्न अथवा और में पूछे जाते हैं तो आपको दोनों या कोई से भी आप प्रश्न हल कर सकते हैं, स्वतंत्रता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 5, स्नातकोत्तर यानी कि जो PG और UG के जो छात्र हैं और सेमेस्टर फर्स्ट और तीसरा यानी कि चौथा पांचवा के जो विद्यार्थियों केवल आंतरिक मूल्यांकन लिए जो प्रातंकों के आधार पर पूर्णांकों की आनुपातिक रूप से प्राप्त अंक में परिवर्तित किया जाएगा। छठा पॉइंट है स्नातकोत्तर यानी कि PG और UG के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा होनी है उन विद्यार्थियों को द्वारा महाविद्यालय विभाग में जमा कराई गई, यानी कि जो महाविद्यालय और विभाग में आपको जमा करानी होगी, क्योंकि प्रायोगिक रिकॉर्ड है असाइनमेंट उन्हीं के आधार पर आपको नंबर मिलने वाले, तो ये आपको महाविद्यालय में जमा करानी होगी। MSc के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा 2nd और 4th सेमेस्टर में होती है उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्व निर्धारित वार्षिक प्रक्रिया के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। जिन विषयों में जो प्रेजेंटेशन है यानी कि बाया वॉइस और सेमिनार का आयोजन अनिवार्य है उनमें संबंधित विभाग महाविद्यालय ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली की परीक्षा से संपन्न करेंगे। बिंदु संख्या जो 6, 7 और 8 है जिस संबंधित सभी मूल्यांकित किए गए प्रायोगिक रिकॉर्ड और रिपोर्ट सेमिनार राइट अप असाइनमेंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के प्रिंट आउट का साधन संबंधित विभाग महाविद्यालय की आवश्यक रूप से रखना होगा। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट है कि आपके एग्जाम पैटर्न जारी हो चुके हैं और आपका एग्जाम अब बहुत जल्दी होने वाला है, तो सबसे बड़ी अपडेट है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।